और इस बीच देवघर में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको अवगत करा दें। देवघर डीसी नैन्सी सहाय ने सावन महीने में देवघर में प्रशासनिक विधि व्यवस्था को लेकर जो चुनौतियां उत्पन्न होती है उसके मद्देनजर बैठक की। हालांकि हम आपको याद दिला दें कि हाईकोर्ट में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर सरकार और मंदिर प्रबंधन कमेटी ने अपना अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और 3 तारीख को श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर अपना फैसला सुनाएगी झारखंड हाई कोर्ट। लेकिन इस बीच डीसी नैन्सी सहाय ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और सावन के दौरान जो अमूमन देवघर में आयोजन होता है उससे संबंधित जो तैयारियां होती है, तो ये एक नियमित बैठक हुई कि अगर हाईकोर्ट श्रावणी मेले के आयोजन की अनुमति देता है तो तैयारियां मुकम्मल रहे, तैयारियों में कोई कमी ना आए, और अगर श्रावणी मेले के आयोजन की अनुमति ना भी मिलती है तो जो आम दिनों में दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है उनसे संबंधित ये एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। देवघर डीसी नैन्सी सहाय ने तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक की। क्योंकि इस वर्ष अभी मंदिर बंद है और श्रावणी मेला को लेके थोड़ा जो एक संशय अभी भी है, क्योंकि परसों माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आएगा जो भी इस मेले को लेकर, और मेला अगर होता है या नहीं होता है या मंदिर खुलने पर जो भी निर्णय आता है, तो हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारियां हम लोग कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार हम लोग अभी भी जैसे हम लोग देखते हैं कि श्रद्धालु वगैरह आ जा रहे हैं या बिहार से लोगों का एंट्री हो रहा है, और मंदिर के आसपास जो चेक पोस्ट बने हैं उनको कैसे हम लोग और सुदृढ़ करेंगे, थोड़े